गाजीपुर छापीहेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत संडावता के नजदीक पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद डायल 100 की मदद से घायलों को छापीहेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर के एक भिलवारे के द्वारा दुर्घटना में घायल ऋतुराज सिंह पिता प्रहलाद सिंह, विशाल सिंह पिता देवी सिंह का प्राथमिक उपचार करने के बाद घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए बाहर रेफर किया। तीसरे युवक राजेंद्र सिंह पिता जसवंत सिंह उमठ निवासी देवली सांग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जिससे पीएम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये तीनों मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक अज्ञात पिकअप वाहन द्वारा टक्कर मारी गई। सर कौन लेके आया सर इनको यहाँ पे, ये घटना अचानक कैसे हो गई? एक्सीडेंटल केस है और ये डायल 100 के द्वारा इन लोगों को लाया गया है, जिसमें ऋतुराज सिंह पिता प्रहलाद सिंह और विशाल सिंह पिता देवी सिंह, ये गंभीर रूप से आहत हुए। इनका प्राथमिक उपचार करके आगामी उपचार जिला चिकित्सालय राजगढ़ के लिए रेफर कर दिया। साथ में राजेंद्र सिंह पिता जसवंत सिंह, इन घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, इनको सर में गंभीर चोट। छोटी संडावता में मुझे फोन आया, संडावता कारण एक्सीडेंट पैंतीस मिनट के आगे 200 मीटर आगे मोटरसाइकिल तुरंत पहुँचे, तो मोटरसाइकिल से ये लोग सहारनपुर तक जा रहे थे। तीन व्यक्ति कारण में चलाने वाला जो है गंभीर चोट सर में आई। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कौन सा वाहन था, इसे भी पता नहीं चल पाया। दो जो गंभीर घायल थे, पहले उनको उठाया और तुरंत उनको फर्स्ट एड के लिए एक को बस से और एक को डायल 100 गाड़ी से अस्पताल छोड़ा, इनका उपचार हुआ। उपचार राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह की तैयारी के लिए एक आवश्यक मीटिंग का आयोजन मतदाता केंद्र क्रमांक 191 आरोन सदर बाजार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि SDM अरविंद वाजपेयी, कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत BLO संघ के अध्यक्ष और मतदाता केंद्र 191 आरोन के VLO दिलवर खान द्वारा किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को भव्यता प्रदान करते हुए अपने अपने सुझाव मंच से रखे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि SDM अरविंद वाजपेयी ने कहा कि आगामी 25 जनवरी के होने वाले मतदाता दिवस कार्यक्रम में मतदाताओं को जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें मतदाता अपने अमूल्य मत का महत्व समझे कि आगामी चुनाव में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके और मतदाता सूची में कोई भी पात्र अपने नाम को मतदाता सूची से जुड़वा सके। इस मौके पर सभी गणमान्य नागरिक सहित पत्रकारगण मौजूद रहे। जुलाई 2016 में शहर में आई बाढ़ का मुआवजा अब तक पूरा नहीं बट पाया है। पीड़ितों में बटने वाला करीब 400 क्विंटल गेहूं खाद्य विभाग के पास पड़े पड़े खराब हो रहा है, जबकि बाढ़ का मुआवजा न मिलने संबंधी CM हेल्पलाइन में करीब 1.5 दर्जन से अधिक शिकायतें लंबित पड़ी हैं और 2 दर्जन से अधिक शिकायतें बंद कर दी गई हैं। खास बात यह है कि गेहूं का ये स्टॉक राशन दुकानों में रखा हुआ है। जबलपुर के घमापुर क्षेत्र में एक जर्जर दीवार के अचानक गिर जाने की वजह से वहां खेल रहे एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 वर्षीय अंकु वंशकर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी मैदान से लगी नंदी फाउंडेशन की बाउंड्री वॉल अचानक बच्चे के ऊपर ही भरभराकर गिर गई, जिसमें दबने से बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा लगने लगा। पन्ना के पवई नगर के मंगल भवन के पास खंडर में तब्दील हो चुके पुराने तहसील कार्यालय की तुलाई कार्य चल रहा था, उसी समय खंडर से एक लोहे का संदूक निकल आया, जिसे देखकर काम कर रहे मजदूरों की आंखें खुली रह गईं। मजदूरों ने तत्काल इसकी सूचना अधिकारियों को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर संदूक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पवन नगर में पुरानी तहसील जो पूरी तरह से खंडर हो गई थी और उपयोग योग्य नहीं थी, जिसको प्रशासन ने तोड़कर उसकी जगह शासकीय स्कूल बनाए जाने का कार्य प्रारंभ किया था। पुरानी तहसील प्रांगण है, उसमें कलेक्टर महोदय के आदेश से उसके डिसमेंटलेशन का काम चल रहा है, तो डिसमेंटलेशन के दौरान एक लोहे का बॉक्स बंद प्राप्त हुआ है, जिसे आम बोलचाल में लोग तिजोरी बोल रहे हैं। असल में वहाँ पर ट्रेजरी हुआ करती थी, पहले तहसील हेडक्वार्टर था और उपकोषालय हुआ करता था, तो उस समय ट्रेजरी के और उपकोषालय के बॉक्स रहते थे, वो दीवार में गड़े रहते थे पुराने, वही बॉक्स प्राप्त हुआ है, वो बंद है इस समय। कब खोला जाएगा और क्या कार्रवाई की गई? अभी बंद बॉक्स को यथावत सील बंद करके
तो कोषालय के डबल लॉक में रख दिया गया है, पंचों के समक्ष पंचनामा बना के विधिवत उसके एक्ट के अनुसार कलेक्टर महोदय की अनुमति लेके सार्वजनिक रूप से उसको खोला जाएगा और जो भी सामग्री उसमें होगी वो सार्वजनिक खजाने में जमा की। अनुमान तो यही है, पुराने जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि वो बॉक्स एक गड़ा रहता था उसमें ट्रेजरी, क्योंकि वो बॉक्स निकल नहीं सकता था दीवार से, इसलिए उसको यथावत छोड़कर वहाँ की ट्रेजरी का सारा सामान यहाँ आ गया था नई बिल्डिंग में और वो बॉक्स यथावत रहा उसमें। हालांकि अभी हिलाने डुलाने से उसमें कुछ नहीं, ऐसा वजनदार कुछ नहीं दिख रहा, ना ही कोई सामग्री बज रही थी। खोदने के दौरान कहाँ जमीन से निकली है फिर दीवार से? खोदने के दौरान दीवार में पाई गई है। मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड में लगी भीषण आग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई फायर ब्रिगेड की प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि 29 दिसंबर को कमला मिल्स कंपाउंड में लगी आग की मुख्य वजह अवैध हुक्का से उठी चिंगारी हो सकती है, जिसे मोजो बिस्त्रो रेस्टोरेंट में सर्व किया गया था। बता दें कि इस भीषण हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि आग सबसे पहले मोजो रेस्टोरेंट में शुरू हुई और फिर बाद में फैलती फैलती उससे लगे वन अबाव पब तक पहुंच गई। अग्निशमन नियमों से खिलवाड़ करने वाले होस्टल्स पर बिना नोटिस दिए सीधे ताला लगाया जाएगा। इसके लिए सोमवार से पूरी मुंबई में जांच मुहिम शुरू की जाएगी। बीएमसी आयुक्त अजय मेहता ने सड़कों और नालों की सफाई की तरह इस मामले में भी भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर कमला मिल परिसर में हुई कार्यवाही के दौरान राजनीतिक दबाव के संकेत भी मिले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई रोकने के लिए एक बड़े नेता का फोन आया था। मुंबई के कमला मिल पब में 29 दिसंबर की रात लगी भीषण आग में 14 लोगों के मारे जाने के बाद अब पुलिस ने एक अबाव पब के मालिकों के वांटेड पोस्टर जारी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के अग्निशमन विभाग द्वारा दी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आग की घटना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे की शुरुआत मोजो बिस्त्रो रेस्टोरेंट में हुई थी, वहां अवैध हुक्का लोगों को पीने को दिया गया था। महाराष्ट्र बंद के पहले और बाद में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उन दंगाइयों की शिनाख्त सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है, पर महाराष्ट्र पुलिस ने सोशल दंगाइयों की पहचान का काम भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया में जिन लोगों की पोस्ट से दंगे फैले ऐसे लोगों को पुलिस ने सोशल दंगाई नाम दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में आईडी ब्लास्ट की खबर है। इस ब्लास्ट में 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल पुलिसकर्मी को श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। यहां धमाका सोपोर की मेन मार्केट में ये ब्लास्ट हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि इस धमाके में कई नागरिक भी घायल हुए हैं। जिस दुकान में ये आईडी ब्लास्ट हुआ वहां पुलिसकर्मियों के आने की आतंकियों को सूचना थी। भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के बाद तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल का ये कार्यक्रम 12 जनवरी को राज्य के बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ा में होना था लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। संसदीय कमेटी ने किफायती विमानन सेवाएं देने वाली कंपनी इंडिगो एयरलाइंस को उसके कर्मचारियों के यात्रियों से अभद्र और असभ्य व्यवहार के लिए शुक्रवार को जमकर फटकार लगाई। कमेटी ने इस तरह के व्यवहार को इंडिगो की संस्थागत दिक्कत बताते हुए उसे उपभोक्ताओं के अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए कहा, लेकिन संसद की कमेटी के सामने एयरलाइन ने तर्क दिया वो हैरान करने वाला था। इंडिगो ने अपने कर्मचारियों द्वारा यात्रियों से अभद्र व्यवहार किए जाने के लिए उनकी ग्रामीण कस्बाई पृष्ठभूमि को जिम्मेदार बताया। उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, पूरा प्रशासन बदल गया। अगर नहीं बदला तो वो है किसानों की दुर्दशा। उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो या फिर आलू प्याज किसान, उसकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। चाहे सरकार किसानों की दशा सुधारने के लाख दावे करे, समस्याओं से परेशान आलू किसानों का धैर्य जवाब दे गया। किसान ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा मार्ग पर आलू फेंक कर अपना आक्रोश जाहिर किया। शुक्रवार देर रात किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में आलू भरकर लाए और राजधानी की सड़क पर फैला दिए। उत्तर भारत में हाड़ तपाने वाली ठंड जानलेवा हो गई है। सड़क, रेल, यातायात और विमान सेवाएं प्रभावित हैं। मजबूरी में खुले आसमान के नीचे रात बिताने वालों के लिए ये कहर बनकर टूटी है। वैसे इस बेदर्द ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। दिल्ली के सफदरगंज और लोधी रोड पर आज सुबह का तापमान 4 डिग्री रहा। आयकर विभाग ने राजधानी में एक अवैध निजी लॉकर से 41 करोड़ रुपए के जेवर और नकदी जब्त किए हैं। ये कार्रवाई विभाग द्वारा काले धन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में संचालित एक लॉकर से बड़ी संख्या में सोने के सिक्के और बिस्कुट के अलावा आभूषण और नकदी जब्त किए गए।
संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का विरोध अब नए सिरे से शुरू हो गया है। राजपूत करणी सेना ने फिल्म को बैन करवाने के लिए 27 जनवरी के दिन चित्तौड़गढ़ में महारानी पद्मावती के महल पर इकट्ठा होने का आह्वान किया है। करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी ने शुक्रवार को यहां प्रेस वार्ता में कहा, मैं देश में श्रीनगर और कलकत्ता को छोड़कर सभी राज्यों में गया हूं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बीजे मेडिकल कॉलेज में तीसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहे निवासी डॉक्टर ने शुक्रवार रात हॉस्टल के कमरे में नींद की गोली खाकर आत्महत्या की कोशिश की। डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि दलित होने के कारण उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। 2.5 साल में एक बार भी उसे ऑपरेशन नहीं करने दिया गया। उसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर वॉचमैन की तरह खड़ा रखा जाता है। परमाणु नगरी के नाम से विश्वविख्यात पोखरण में व्यापारी बेखौफ होकर सेना की वर्दी का सामान बेच रहे हैं, जिससे आम व्यक्ति और संदिग्ध सहित कोई भी इंसान सेना के कपड़े पहन बेरोकटोक प्रतिबंधित क्षेत्र में सेना का जवान बन घूम सकता है। सेना की वर्दी किसी गलत हाथों में पड़ने के नुकसान हम पहले भी देख चुके हैं। गौरतलब है कि सेना की वर्दी पहने शख्स को पहली नजर में सभी सेना का जवान ही मानते हैं। यही नहीं, जब तक वो कोई संदेहास्पद गतिविधि को अंजाम ना दे, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी उससे पूछताछ करने से कतरा जाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निरोधक अधिनियम मामले में दिल्ली की एक अदालत में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र दायर किया है। पीएमएलए मामले में मीसा भारती के खिलाफ दायर दोनों आरोप पत्रों पर 5 फरवरी को विचार किया जाएगा। विहिप के फायर ब्रांड नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ मेट्रो कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया है। उनके खिलाफ गुजरात के चर्चित खजुराहो कांड में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। भाजपा विधायक बाबू जमुना दास पटेल भी इस मामले के 39 आरोपियों में शामिल हैं। वारंट निरस्त कराने के लिए 9 आरोपी मेट्रो कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की अर्जी मंजूर करते हुए 15,000 रुपए के बॉन्ड पर सभी को छोड़ दिया है। कनाडा टोरंटो एयरपोर्ट पर 2 यात्री विमान टकरा गए। विमानों के टकराने से उसमें आग लग गई। आनन फानन में पहुंची फायर रेस्क्यू टीम ने मुसाफिरों को विमान से बाहर निकाला और आग बुझाने का काम शुरू किया। ग्रेटर टोरंटो हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार शुक्रवार शाम सनविंग एयरलाइंस और वेस्टेज एयरलाइंस के विमान आपस में टकरा गए। इसके बाद तत्काल अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की सहायता ली गई। अमेरिका की तरह चीन भी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया है। पूर्व चीन के अनहुई प्रांत में बर्फीले तूफान की वजह से पिछले 3 दिनों में 13 लोगों की मौत हो गई। ये साल 2008 के बाद से अब तक का सबसे भयंकर बर्फीला तूफान है। तूफान में अभी तक इस प्रांत के करीब 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान सनत जयसूर्या घुटने की चोट से जूझ रहे हैं। इस कारण उन्हें चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। 48 साल के जयसूर्या ऑपरेशन के लिए मेलबर्न जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑपरेशन के बाद उन्हें रिकवरी के लिए 1 महीना लग सकता है। तब तक वे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। जयसूर्या दुनिया में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले टॉप 10 बैट्समैन की लिस्ट में शामिल हैं। बॉलीवुड में शादियों का दौर जारी है। अनुष्का शर्मा के बाद अब एक्ट्रेस सोनम कपूर शादी करने जा रही हैं। सोनम अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन आनंद आहूजा से इसी साल अप्रैल में शादी करेंगी। सोर्स के मुताबिक दोनों की शादी जोधपुर में होगी। ये एक प्राइवेट वेडिंग होगी जिसमें 300 गेस्ट शामिल होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की फैमिली ने गेस्ट लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर ने कहा कि वो अपने आगामी शो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स पर एक्ट्रेस कंगना रनौत का एक सेलिब्रिटी मेहमान के तौर पर खुशी से स्वागत करेंगे। करण और रोहित शेट्टी इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार में जज की भूमिका में दिखेंगे, जिसका प्रसारण 13 जनवरी से स्टार प्लस चैनल पर किया जाएगा। प्रियंका चोपड़ा इस शो की पहली मेहमान होंगी।